सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। सिरसा में किसानों की बड़ी जीत हुई है। इस वक्त मैं भावदीन टोल प्लाजा पे हूं और जो है कल 12 बजे के बाद है वो टोल को जाम किया गया था और देर रात को प्रशासनिक अधिकारी है, खास करके जो सिरसा के DC हैं पार्थ गुप्ता और SP हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने किसानों से आकर के बातचीत की और जो है तमाम मांगों को लेकर के सहमति बन गई है और जो है हाईवे है उसको खोल दिया गया है। हम आपको बता दें कि किन मांगों को लेकर के सहमति बनी है वो हम आपको बता देते हैं कि जो सिरसा का 2022 का जो बीमा क्लेम है, खास करके कॉटन का और जल भराव का, तो उस बीमा क्लेम को लेकर के चूँकि 34 गाँव का बीमा क्लेम है वो किसानों के खातों में आ चुका था 18 करोड़ से ज़्यादा का, जो और जो बाकी बीमा क्लेम है उसको लेकर के प्रशासन ने यानी सरकार ने 30 दिन का समय दिया है कि 30 दिन के अंदर किसानों के खातों में डलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल जो है धरना है वो स्थगित कर दिया है, आंदोलन है वो स्थगित कर दिया है और हालांकि नाथूसरी चोपटा की तहसील में आंदोलन है इस बीमा क्लेम को लेकर के, जो धरना है वो जारी रहेगा। और जो हमारा खरीफ 2022 का जो कपास का बीमा है वो हमारे जिले में आना बाकी था, हमारी बातचीत जो है दिल्ली स्तर पर चल रही है और पीछे भी चल रही थी, उसका नतीजा ये हुआ कि 14 तारीख शाम को हमारे कुछ किसान साथियों के 34 गांव में करीबन 20 करोड़ रुपए जो है वो बीमा राशि आ गई है। आगे जो बकाया राशि है बाकी सभी गांवों की वो एक महीने के अंदर जो है आने लग जाएगी और क्रॉप कटिंग प्रक्रिया के अनुसार जो नुकसान निकाला गया था उसके अनुपात में जो रिटायर्ड राशि है वो हमारे किसान साथियों के हाथों में जल्दी आने लग जाएगी। हमारे हाथ में जितनी बात थी उससे 2 कदम जो है फालतू चले हैं और इतना मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहूंगा कि ये राशि जो है बीमा की इसको हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि किसानों की बड़ी जीत हुई है क्योंकि जब नेशनल हाईवे जाम किया गया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर के किसानों से बातचीत की और बातचीत में हल निकला। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।